मैं पिछले एक साल से एक फेसलेस YouTube चैनल चला रहा हूं और मुझे मिलियन में व्यूज आ रहे हैं और इतनी देर के बाद मुझे पता चला कि मैं गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। इससे भी आसान तरीका है ऐसे रिजल्ट लाने का, वो भी कुछ ही महीनों में। पर वो कैसे? रुको, मैं समझाता हूँ। मैं जिस चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है अंडररेटेड फैक्ट वर्ल्ड। इस चैनल पर मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाता था। तुम्हें चैनल के नाम से ही पता चल गया होगा कि मैं इस पर फैक्ट वीडियो डालता था। इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी नॉलेज दूंगा जो मैंने इस चैनल से सीखी और अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए एग्जैक्ट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक चैनल है तो तुम्हें नया बनाने की जरूरत नहीं है। अपने चैनल को एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करो। चैनल के लोगों और बैनर को तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हो या तुम AI का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने लियोनार्डो का किया था। अगर तुम कोई भी वीडियो को उठाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हो तो सॉरी ब्रदर, तुम्हारी वीडियो वायरल नहीं जा सकती। फर्स्ट फाइंड अ परफेक्ट निश और देखो कि उसे निश में ऑडियंस है या नहीं। या तुम ChatGPT से भी पूछ सकते हो कि टॉप निश आखिर कौन सी है। या तुम विकिपीडिया पर जाकर ट्रेंडिंग टॉपिक या हॉबीज के बारे में पता कर सकते हो और इनमें से कोई एक चूज कर लो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। अब सीधा स्टेप 3 पर आ जाओ। तुम्हें अपने से बड़े चैनल को अच्छे से एनालाइज करना है। देखना है कि वह कौन सी वीडियो को अपलोड करते हैं और किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। मैंने भी जब चैनल स्टार्ट किया था तब मैं भी यही करता था। तुमने ऐसी वाली वीडियो तो कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। फैक्ट नंबर 1, ब्रेड दुनिया का सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला खाना है। फैक्ट नंबर 1, पीले दांत ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि आपके दिल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट। बस मैंने भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ढूंढना शुरू किया और जितना अच्छे से हो सके अपने वीडियो में एक्सप्लेन करना शुरू किया। एक बात तुम्हें याद रखनी है, तुम्हें अपने से बड़े चैनल से कॉम्पिटिशन रखना है। इससे तुम्हें लगेगा कि तुम एक कॉम्पिटिशन में हो, जैसे एक रेस के घोड़े की तरह जिसमें तुम्हें ही जीतना है। तुम्हें जितने जल्दी हो सके अपनी निश के मुताबिक वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी और जितना जल्दी हो सके अपनी पहली वीडियो को अपलोड करना। अपनी वीडियो को बेटर बनाने के लिए तुम बेटर साउंड इफेक्ट, बेटर डिजाइनिंग, बेटर एलिमेंट्स, बेटर ग्राफिक्स और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हो। इन सब चीजों से तुम्हारी वीडियो काफी अच्छी लगेगी। पर एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी आने वाली वीडियो में हमेशा एडिटिंग को इम्प्रूव करते रहना है। ओके, अब चैनल पर वापस आते हैं। इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके मैंने अपनी पहली वीडियो को वायरल किया जिसके ऊपर ठीक ठाक ही व्यूज है। बस तुम्हें अपनी वीडियो में इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। तुम्हारा स्वाइप रेट 70% से ऊपर होना चाहिए, तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन भी 70% से ऊपर होना चाहिए और तुम्हारा इंट्रो 8 सेकंड तक बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे ऑडियंस तुम्हारी वीडियो को पूरा देखना पसंद करें। अगर तुम्हारे स्टार्टिंग का इंट्रो सही नहीं होगा तो तुम्हारी वीडियो को सामने वाला स्किप कर देगा। और इसी तरीके का इस्तेमाल करके मैंने अपनी आगे की कुछ और वीडियोस को वायरल किया। अब आता है लास्ट स्टेप, स्टेप 5, खुद का फार्मूला बनाओ। 10 से 20 शॉट को अपलोड करने के बाद अपने एनालिटिक्स में जाओ और देखो कि कौन सी वीडियो वायरल जा रही है और कौन सी नहीं, और जो वीडियो वायरल जा रही है उसे रीवॉच करो। देखो कि तुमने इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या किया जो इसे बाकियों से अलग बना रही है, और जो भी नॉलेज तुम्हें उस वीडियो से मिले उसे एक जगह पर लिख लो और अपने आने वाली शॉर्ट्स में एक एक करके यूज करो। ये स्टेप काफी बोरिंग है लेकिन यकीन करो ये काम करता है, और इसी का यूज करके मैंने अपनी आगे की कुछ वीडियोस को वायरल किया। एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि जो भी वीडियो तुम्हारी ज्यादा वायरल जाएगी तुम्हें उसका फार्मूला यूज करना है। हर वीडियो के साथ तुम्हारा फार्मूला चेंज होता रहेगा, और इसी का यूज करके मैंने अपनी आगे की वीडियो को वायरल किया और मेरी एक वीडियो पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए और अब मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता था। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लूंगा, 3-4 रशियन लड़कियां रखूंगा, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि मुझे 2 स्ट्राइक एक साथ आ गए। साला जिंदगी में पहले से ही दुख है और यह दुख अलग से आ गया। दरअसल मैंने इस चैनल की वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था और इस क्रिएटर ने मेरे को 2 स्ट्राइक दे दिए और ये वीडियो मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो था जिसके ऊपर 5 मिलियन व्यूज थे, और अब मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। तुम्हें इन जैसी चीजों का ध्यान रखना है कि तुम्हें जितना हो सके अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। मैंने गलती में आकर इस कंटेंट को यूज किया और मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई, लेकिन इससे एक चीज अच्छी हुई थी कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए थे, पर मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो डालना बंद ही कर दिया और आज भी मेरा यह चैनल ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि मुझे 2 स्ट्राइक एक साथ आ गए।